रात के सन्नाटे में नदी के पानी में से सुंदर गाने की आवाजें गूंज रही थी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। नदी के पानी में नहाती एक हसीन लड़की का बदन रात की रोशनी में चांदी सा चमक रहा था। वो बड़ी ही इठलाती सी अपनी पीठ पर पानी छलका रही थी। अपने हाथों और टांगों को पानी में अंदर बाहर कर साफ कर रही थी। हंस रही थी और अपने कपड़े लेकर नदी से बाहर आती है वो हसीना, जिसका नाम था मंजुलिका। नदी किनारे सुंदर से कपड़ों में बैठी हुई मंजुलिका घूंघट किए हुए वही अपना वाला सुंदर गाना मदमस्त होकर गुनगुना रही थी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। आह, कितनी शांति है यहाँ पर। मन तो कर रहा है बस यहीं बस जाऊं। और मंजुलिका अपना वही गाना गुनगुनाते हुए रात के सन्नाटे में भी उजाला सा कर देती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। गुनगुनाते गुनगुनाते मंजुलिका नदी के पानी में हाथ डालती है और नदी के पानी में से एक जला हाथ आकर मंजुलिका के हाथ को कस कर पकड़ लेता है। आ, बचाओ! कौन हो तुम? कौन हो? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कोई है? मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, बस मुझे कुछ करना मत। मंजुलिका का बदन इतना हसीन था कि उस जले हुए हाथ के निशान से उसका पूरा हाथ लाल हो उठा था। वो दर्द में कराह ही रही थी कि तभी वो पानी में झांक कर देखती है कि आखिर उसका हाथ किसने पकड़ा है। और तभी वो जो देखती है, मंजुलिका की तो पूरी कहानी ही वही खत्म हो जाती है। मेरी चाहती तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके फना। नदी में से वो जले हुए हाथ वाली परछाई जब बाहर आती है तो मंजुलिका के सामने जो खड़ी थी वो खुद मंजुलिका ही थी जो नदी के पानी के बाहर खड़ी थी। मंजुलिका चांद की झीनी रोशनी में से उसका चेहरा देखती है तो वो सड़े मांस के जैसा लगता है। उसका पूरा शरीर धब्बे वाला था, जैसे कोई कोढ़ की बीमारी हो। मंजुलिका रूप की इतनी बड़ी हसीना अपनी वैसी परछाई देखकर जोर से चीख पड़ती है, नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम? और नदी वाली मंजुलिका हंसते हुए बाहर आकर हसीन मंजुलिका को थामकर नाचना शुरू कर देती है। उसकी आवाज और नाच में कोई दबी चीख थी जिसे सुन मंजुलिका सहम जाती है। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। और मंजुलिका अपने बाल बिखेर कर उस कोमल सी लड़की के सामने नाची जा रही थी। डर कर असली मंजुलिका के शब्द नहीं फूट रहे थे। बस करो, बस करो, आखिर कौन हो तुम? मैं मंजुलिका। और वो मंजुलिका का गला जकड़ कर उसे नदी में फेंक देता है और असल मंजुलिका छटपटा कर डूब जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे इस कहानी के भीतर कोई एक छिपी हुई कहानी चल रही हो। मेरे ढोलना सुन, सुनना, सुनो तुम सब, मंजुलिका जब आई है तो तुम सब भी उसे देखने आओ मेरा जलवा इस चैनल हॉरर सिटी पर। ला 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 ला। ये कहानी उस समय की है जब रतनगढ़ में ना ही कोई अपराध था, ना ही किसी चीज का डर। औरत बच्चे बूढ़े सब बड़ी ही आराम से घूमा करते थे। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता था
कि नगर में किसी भी बावड़ी तालाब या नदी में रात में कोई औरत अगर किसी मर्द को नहाते हुए नजर आती है तो उसे देखे बिना ही उससे बच के वहाँ से चले जाना है। अगर उस औरत को किसी ने भी नहाते हुए देख लिया और उसके साथ नहा लिया। किशन उस रोज बावड़ी के पास से गुजर रहा था। पहुँचते पहुँचते सांझ ढल चुकी थी, तभी किशन की पत्नी शांति उसे आवाज लगाकर रोकती है। समय पर घर आ जाना, कहीं रुकना मत। हाँ हाँ मेरी माँ, घर ही आऊंगा ना लौटकर, कहीं और रुककर करूंगा क्या। और किशन वहाँ से चला जाता है। जब देखो मुझ पर नजर रखती है, मन तो करता है कि एक दिन से बिना बताए कहीं चला ही जाऊं। किशन खुद से बातें करते हुए जा रहा था, तभी उसका ध्यान गया ही नहीं कि कब वो बावड़ी के पास से गुजरने लगा था। जैसे ही वो बावड़ी के पास से गुजरता है, उसके कानों में मीठी आवाज पड़ती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल, मेरे ढोलना सुन सुन। इतनी मधुर आवाज सुनकर किशन उस आवाज की ओर खिंचा चला जाता है और जो नजारा वो देखता है उसके बाद तो वो चाहने पर भी अपनी नजर वहाँ से नहीं हटा पाता। किशन देखता है कि सामने बावड़ी के पानी में मंजुलिका नहा रही थी। उसका चांदी जैसा बदन पानी में चमक रहा था, लचीली कमर और नागिन सी भीगी जुल्फे जो उसके चेहरे पर बिखर कर उसे हसीन बना रही थी। होठों पर पानी की बूंदे किशन को अब उसकी ओर आकर्षित। किशन बावड़ी की सीढ़ियाँ उतर कर मंजुलिका की ओर खिंचा चला जा रहा था। मंजुलिका ये देख अपने पांव पानी से बाहर लाकर किशन को अपनी ओर और अधिक आकर्षित करती है। लगता है हमारे नगर में कोई अफसरा उतर कर आ गई। बस एक बार जरा से इसे छू लूं तो कोई बात थोड़ी होगा, और अगर थोड़ा सा साथ में नहा भी लिया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और चोर निगाहों से मंजुलिका के हसीन से नग्न बदन को नहाते हुए फिर से देखता है और बस उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। ये क्या कर रहा है किशन? सब कहते हैं पानी में अगर कोई औरत नहाते हुए नजर आए तो उसके पास नहीं जाना है वरना। और अचानक किशन अपनी जवानी के जोश से बाहर आकर देखता है कि उसे इस बावड़ी में नहीं जाना चाहिए था। इस माया में फंसने का अंजाम किशन के लिए बुरा होगा। और सामने मुस्कुराती मंजुलिका से नजरें फेर कर तुरंत उल्टे पांव बाहर जाने लगता है। ये देख मंजुलिका को क्रोध आ जाता है और वो अपनी लाल आंखों से किशन की ओर घूर कर देखती है। और मंजुलिका पीछे से किशन को आवाज लगाकर फिर से अपना वही मधुर गीत गुनगुनाती है। किशन सुनो। मेरे प्यार की धुन। और किशन फिर से मंजुलिका की ओर बढ़कर पानी में उतर जाता है। किशन मंजुलिका को स्पर्श करता है और मंजुलिका उसके स्पर्श से मचल उठती है। अरे किशन, मैं कब से तुम्हारे ही इंतजार में थी। और किशन मंजुलिका को बाहों में कस लेता है और उसका शरीर सहलाने लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मंजुलिका। मंजुलिका नाम बोलते ही वहाँ बार बार उसकी गूंज गूंजती है और बावड़ी का सारा पानी हवा में उड़कर वहीं जमा हो जाता है। किशन की सांसें अब ये सब देखकर अटक गई थी। अब उसके सामने खूबसूरत हसीना के रूप में एक खून पीने वाली भूतनी खड़ी थी। किशन अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी वहाँ पर सब सामान्य हो जाता है। किशन कुछ पल बाद जब आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ मंजुलिका तो थी ही नहीं, ना ही बावड़ी का वो पानी नहाने लायक था। वो तो सालों पुराना गंदा हरी काई वाला पानी होता है। किशन हड़बड़ाहट में वहाँ से भागने लगता है। दूर खड़ी भयानक मंजुलिका उसे देख हंस रही थी। मंजुलिका चलते हुए बावड़ी के पास आती है और खुद को पानी में झांकते हुए देखती है। इस बार बाहर भयानक मंजुलिका थी और पानी के अंदर सुंदर वाली हसीना, जैसे इस मंजुलिका ने ही उसे वहां कैद किया हुआ हो। मैं जानती हूँ तू कैद में है, पर तू देखना अब सब कैद में होंगे सब। किशन हाँफता हुआ घर की ओर जा रहा था। वो भीगा हुआ था, शरीर से गंदे पानी की बदबू भी आ रही थी। अगर मैंने किसी से भी कहा कि मैं औरत के हुस्न के लालच में वो सब गलत काम करने के लिए उसके पास गया था तो शांति तो मुझे सबसे पहले मार डालेगी। और किशन खुद को संभालते हुए घर पहुंचता है। शांति दरवाजा खोलती है। अरे इतनी जल्दी वापस आ गए, और ये क्या हालत कर रखी है, सब समझ गई हूँ मैं।
क्या 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 समझ गई हो? यही कि दारू पीकर कौन सी नाली में गिर कर आए हो तुम? हाँ, मैं नाली में तो गिर गया था। हाँ बिल्कुल, मैं नहाने जा रहा हूँ शांति, थक गया हूँ थोड़ा। किशन का शरीर अभी भी मंजुलिका का चेहरा याद कर कांप रहा था और वो बाथरूम में चला जाता है। नगर में आज से पहले कभी मंजुलिका को देखा नहीं गया था, बस उसके किस्से बरसों से चल रहे थे। किशन किसी से कहता भी तो क्या कहता, वो चुप ही रहने का फैसला करता है। वैसे भी आगे जो होने वाला था उसके बाद तो वो हमेशा के लिए चुप ही होने वाला था। किशन बाथरूम में नहाने लगता है। उसके चेहरे पर ढेरों झाग थे, आंखों पर साबुन था। वो अपना बदन मसलता हुआ नहा रहा था, तभी उसके कानों में वही गुनगुनाने की आवाज आती है, मेरे ढोलना सुन सुन। कौन है, कौन है? पर वहाँ कोई भी नहीं था। किशन नहाने लगता है, तभी उसके पीछे पानी से भरे बाथटब में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते उसमें मंजुलिका की भूतनी अपने आप ही भीगती हुई निकलती है और मंजुलिका नहा रहे किशन के पीछे जाकर उसका शरीर सहलाने लगती है। मंजुलिका की छुअन से किशन मदहोश हो रहा था। किशन, किशन तुम भाग क्यों गए थे? और मंजुलिका किशन की गर्दन को चूमती है। ये देख किशन अचानक से होश में आता है। नहीं, नहीं। और वो तुरंत अपना चेहरा धोकर देखता है कि बाथरूम में तो कोई भी नहीं है। क्या सच में कोई भी नहीं था? क्या किशन डर की वजह से ये सब सोच रहा था? किशन घबराया हुआ बाथरूम से बाहर आकर सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और उस बाथरूम को भी लॉक करके बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। मगर वो मंजुलिका मेरे घर तक कैसे आई थी? किशन जब बावड़ी से वापस आया था तब वो घर में घुसते समय अकेला नहीं था। उसके कंधे पर बैठी थी मंजुलिका, जो ना किशन को नजर आई थी न शांति को। सब ये जानते थे कि मंजुलिका है, मगर उसकी कहानी कोई नहीं जानता था। मंजुलिका एक बार किसी पर अपनी नजर गड़ा लेती थी तो जरा से पानी की जगह में से भी निकल कर उसके कानों में वही धुन गुनगुनाती थी, मेरे ढोलना सुन सुन। सब्सक्राइब करो। और मंजुलिका किशन की गर्दन को चूमते हुए हंसती है। अरे अब इस बेवड़े को फिर से दौरा पड़ रहा है क्या? शांति जाकर किशन का दरवाजा खटखटाती है। किशन, अरे किशन दरवाजा खोलो, आखिर हुआ क्या है? ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो और ये क्या शौक पाल लिया है तुमने औरत की आवाज में गाना गाने का? ये सुनते ही किशन घबरा जाता है। इसका मतलब वो वहम नहीं, मंजुलिका सच में है, सच में आ चुकी है वो। किशन दरवाजा खोलो ना, वरना मैं तुम्हें गाना कैसे सुना पाऊंगी। किशन ये देख और डर जाता है। नहीं प्लीज, चली जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, जाओ जाओ यहाँ से। और अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आती है और फिर तुरंत ही बंद हो जाती है। किशन माहौल शांत होता देख थोड़ी हिम्मत करते हुए बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने अपनी पत्नी शांति की लाश दो टुकड़ों में पड़ी हुई। शांति, ये कैसे? किशन कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ मंजुलिका आ जाती है और शांति की लाश को हाथ में पकड़कर खींचते हुए बावड़ी में ले जाकर डुबो देती है और बावड़ी पर खड़ी होकर फिर से गुनगुनाते हुए शांति के खून से नहाने लगती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल। फिर से आएगा हॉरर सिटी में मंजुलिका के इस भूल भुलैया को देखने। हॉरर सिटी आ रहा है अब फिर से अपने पुराने अंदाज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।